हेलो भाइयों, मैं विश गोकर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो भाइयों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक का करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू, जिसका हमने पहले कर रखा है रिव्यू भी, बट फ्रेंड्स ओनरशिप रिव्यू होगा आज। तो भाइयों, बाइक हमारी कौन सी आने वाली है वो आपको दिखाते हैं। 1 2 3 ये दोस्तों सुपर स्प्लेंडर बाइक, जिसका आपने पहले रिव्यू भी देखा होगा। तो भाइयों देखिए, सुपर स्प्लेंडर बाइक और ऐसी कुछ बाइक होने वाली है देखो। और इसके मिलाएं आपको जिनकी बाइक है इसके ओनर से, तो ओनर वो आने लग रहे हैं बाइक के ओनर। तो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी। तो भाई साहब, ये आपकी बाइक है जी। और ये किसकी है? ये भाई भाई की बाइक है। अच्छा, तो मॉडिफाई बाइक पर मजा आ रहा है बैठकर? हाँ भाई, वैसे तो ये छबरी बाइक होती है, देखिए मॉडिफाई बाइक, बट इसकी बात बाद में करेंगे। तो भाइयों, अपनी बाइक के बारे में बताओ, ये कितना मॉडल होने वाली है सुपर स्प्लेंडर बाइक? 16 मॉडल है भाई ये। 16 मॉडल, और कितने सीसी में है ये? 125 सीसी में। 125 सीसी में इसका भारी भरकम इंजन मिलता है, जो मैं आपको दिखाऊं। और इसका यहाँ पे फ्यूल का ऑन ऑफ का, और दोस्तों ये इसकी टैंक, भाइयों इसके टैंक में फ्यूल कितना आ जाता है? 12 लीटर। अच्छा, और भाइयों ऐसा कुछ मिलता है इसका मीटर? जो दोस्तों हमें थोड़ी थोड़ी बात पूछनी होगी, भाई हमारे साथ हैं यहाँ पे, और भाई हैं फिलहाल छपरी बाइक पर छपरी और 12 से 15 लीटर। हाँ पता। तो भाइयों अभी तक तो था थोड़ा सा फनी, भाई चले जाएंगे अब और हम करते हैं इसका रिव्यू। तो भाइयों आते हैं बाइक पर, बाइक का करने वाले हैं रिव्यू। ये तो ओनरशिप रिव्यू, इसमें थोड़ा ही था, ज़्यादा तो रिव्यू ही है। तो भाइयों करते हैं, और ये सब फनी था, प्लेटिना बाइक छपरी नहीं होती, वो तो दोस्तों ऐसे ही मजाक में वो कर रहे थे, कोई भाई दिल पर मत लेना प्लेटिना लवर। तो भाइयों करते हैं, ये ऐसा कुछ मिलता है इस सुपर स्प्लेंडर बाइक का मीटर, 140 तक मिलती है मार्किंग। ये देखिए यहाँ पे 52,000 चल चुकी है, 52,575। यहाँ पे ये स्टैंड का, स्टैंड हटाते ही हट जाएगा, लगाते ही लग जाएगा, सुपर स्प्लेंडर लिखा मिलता है। इधर फ्यूल की, ये यहाँ पे इसका इंडिकेटर का राइट लेफ्ट, और दोस्तों यहाँ पर हॉर्न दिखा देते हैं पहले आपको, कैसा हॉर्न मिलता है इसका। ये लिटिल हॉर्न मिलता है यहाँ पे दोस्तों। हेडलाइट का मैनुअली आई लो, यहाँ पे हेडलाइट का ऑफ, पार्किंग फिर ऑन, और ये यहाँ पे पासिंग का, ये यहाँ से पासिंग। ये दोस्तों क्लच लीवर इसके, और ये दोस्तों देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बात करें इसके टैंक की, इसमें दोस्तों 12-13 लीटर टैंक की कैपेसिटी मिलती है, 12 से 13 लीटर लगभग। और यहाँ पे इसका ये यहाँ पे ओप फ्यूल, यहाँ से ऑन, और नीचे रिजर्व लगता है, फिलहाल ये ऑन में है। और दोस्तों आप सोचेंगे ब्लैक ब्लैक कैसे लग जाएगी, भाई ने करवा रखी है स्मोक लेमिनेशन। और फ्रेंड्स ये वैसे तो मेरी बुआ के लड़के की बाइक है, और इसका रिव्यू दे रहा हूँ आज। यहाँ पे इसमें बल्ब लग रहा है, इसमें देखिए पार्किंग बल्ब मॉडिफाई वाला, देखिए ये तीन चार लाइट जलती है इसमें। और यहाँ पे मिलता है इसका मडगार्ड, देखिए इस पे भी स्मोक लेमिनेशन हो रखी है, पूरी बाइक पर स्मोक हो रही है यहाँ पे वाइजर पे भी। और बात करें इसके टायर की, टायर मिलता है दोस्तों अपोलो का, देखिए अपोलो का टायर मिलता है। साइज़ की बात करें 2/75/18। और फ्रेंड्स ऐसी कुछ बाइक, ऐसी कुछ मिलती है इसमें यहाँ पे किक ये। और फ्रेंड्स मोबाइल अभी लो है, और जो बस वीडियो में आ गई, नहीं तो मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, 2% है बस, और जितना आएगा बस उतनी वीडियो बन पाएगी। तो भाइयों यहाँ पे लेग गार्ड पे रोपिंग करवा रखी है, भाई ने रोप लिपटवा रखी है रस्सी। भाइयों ऐसा कुछ इंजन, ऐसा पड़ा हुआ इंजन मिलता है, 1% का नोटिफिकेशन आ गया है, 1% रह गया है मोबाइल, देखिए बैटरी। और भाइयों देखिए ये यहाँ पे इसका जाल, ये लगवा रखा है भाइयों इसके बैग के लिए, भाई ने लगवा रखा है इसमें बैग। तो भाइयों ऐसी क्या मजबूरी आ गई भाई जो आपको बैग लगवाना पड़ा? तो भाइयों कुछ सामान धरने के लिए। अच्छा, और ये आपका हेल्पर है? हाँ भाई। अच्छा, हम इसे बैग को हटवा देंगे। अच्छा, बैग को हटवा दोगे जल्दी? अच्छा, 1-2 दिन में। अच्छा, और ये इसका ऐसा कुछ मिलता है साइलेंसर, और ये नंबर प्लेट HSRB। और भाई ये लाइट दिखती है इधर से लाल, दिख रही है इधर से ब्लैक, इसका क्या राज है? तो भाई ऐसी करा दी थी बस। क्यों करा दी थी? बस मन कर रहा था मजे के लिए। अच्छा, और ये टायर इसमें टायर इसमें न्यू डलवाया? अच्छा, वो बाद में बात करेंगे। और ये ऐसे कुछ इंडिकेटर मिलते हैं, और भाई ये इंडिकेटर ये तो सही है, इसकी नाड़ी क्यों टूट रही है? ये इसकी नाड़ी क्यों टूट रही है?
तो भाई इनने ने हाँ भाई नाड़ क्यों टूट रही है इसमें इंडिकेटर ऐसे ही कोई टकरा गया था कैसे मालूम नहीं कैसे बाइक तू चला रहा था अब मैं नहीं चला रहा था और दूसरी कोई चला रहा था तो तुझे कैसे पता टकरा गया था हाँ तुझे क्यों पता कैसे पता मालूम नहीं अभी मालूम नहीं तो फिर बोला कैसे तूने अबे चला रहा था तो ये अच्छा अब तू कह रहा था पता नहीं तो ये चला रहा था ए भाई तूने तोड़ा नहीं भाई मैंने ये तो मना कर रहा है ये तो चला रहा था तू नहीं चला रहा था नहीं आती नहीं चलानी नहीं अच्छा सिखा देंगे और ये टायर न्यू डलवाया है अभी ये टायर दिख रहा है कितने रुपए का डला है 1200 का बड़ा टायर डलवा लेते छोटा क्यों डलवाया बस क्यों तबीयत कुछ छोटे से ही हो गई बस छोटे टायर से ही और बाइक तुम्हारी अकेले की है तुम्हारी भी है कुछ कुछ मेरी नहीं है तुम्हारी क्यों नहीं है मेरी नहीं है अच्छा तुम्हारी है बस हमारी मन करता है चलाने को नहीं क्यों नहीं करता नहीं करता मैं साइकिल चलाने को करता है मन आ, पूरा हां क्यों साइकिल चलाने में मजा आता है पूरा कितना मजा आता है बहुत मजा आता है तबीयत खुश हो जाती है सुकून मिलता है अच्छा और एक बार बैठ कर देख बाइक पर मजा आएगा एक बार उसके साथ बैठ कर देख वो तुझे तो लेके जाएगा पीछे कर बैठ इसके पीछे पीछे बैठ अरे मारेगा क्या रे लल्ला को और भाइयों रिव्यू बना रहे थे हमें फन हो गया काफी भाइयों ऐसी फनी वीडियो थी है तो भाई टायर घिसा रहे मजा आ गया तबीयत खुश हो गई पूरी कितनी पूरी। कितनी तबीयत खुश हुई बहुत पूरा मजा आया पूरा मजा आया कितना मजा तबीयत खुश हाँ रोक दे मजा आया कितना मजा आया बहुत मजा एक बार बैठ कर देख इस पर बैठ कर देख पहले बैठ कर देख राज बब्बर लग रहा है बहुत मजा आया पूरा मजा आया राज बब्बर लग रहा है बैठ कर इस इधर आकर इस पर बैठ बहुत मजा आया जय जी भी लग रहा है हनी सिंह भी लग रहा है पूरा मजा आ रहा है कैसा फील आ रहा है बैठ कर बहुत मजा आ रहा है अच्छा और आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लगा अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा कुछ कुछ हो रहा है बैठ कर नहीं कुछ कुछ नहीं हो रहा अच्छा समथिंग अच्छा हो भी रहा है हो भी नहीं हो रहा है और देखो बाइक पर बैठकर कैसा मजा आ रहा है बहुत मजा क्या नाम है प्रकाश गोभी ओ प्रकाश गोजोबी नहीं और तू ही तो बोल रहा था प्रकाश जोबी नहीं प्रकाश जोबी नहीं बोला ओ धोबी अच्छा प्रकाश धोबी क्या काम करता है मैं यहाँ पे काम करता हूँ कपड़े धोने का नहीं तू ही तो बोला प्रकाश धोबी कपड़े नहीं धोता नहीं और क्या करता है डंगर का डंगर अच्छा तो फिर तो वो पशुपालन करने वाला है अच्छा बाइक पर बैठकर कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग पूरा मजा आ गया तबीयत खुश हो गई सुकून मिल गया अच्छा और वो बाइक कैसी लग रही है वो बाइक तो अच्छी है ये भी बाइक अच्छी लगी अच्छा बैठकर कैसा लगा बहुत अच्छा जैसा कि इस भाई ने चलाया कैसा आया बैठकर बहुत पूरा मजा आया पूरा मजा जब इसने ब्रेक मारा डर लगा नहीं क्यों नहीं लगा अरे डर नहीं लगता मेरे को डर नहीं लगता नहीं माउंटेन ड्यू पी थी तभी नहीं लगा डर नहीं माउंटेन ड्यू डर की अच्छा और मोबाइल रखता है नहीं क्यों नहीं रखता नहीं रखता मैं क्यों नहीं रखता ऐसे ही नहीं रखता क्यों नहीं मजा नहीं आता नहीं क्यों ऐसे ही मजा मोबाइल रखने में मजा नहीं आता नहीं तबीयत खुश नहीं होती नहीं मोबाइल रख मजा आएगा हां मोबाइल दे इसको ले मोबाइल रख मजा आ गया मजा कितना मजा आया बहुत मजा आ गया अच्छा रख लिया मोबाइल कहां है जेब में रख लिया चल अब तू ही रखना उस मोबाइल को ओके बोल वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें बोल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें अरे सब्सक्राइब कर ऐसे नहीं करेंगे सब्सक्राइब वीडियो करता है एंड ये अपना छोटा भाई है ये इसका दोस्त है और बाइक का रिव्यू आपको कैसा लगा लिटिल लिटिल रिव्यू था ज़्यादा इसकी डिटेल्स दी नहीं क्योंकि मैंने इसका पहले भी रिव्यू बना रखा है तो आज तो बस वैसे ही फनी वीडियो बना रहे थे
और इनके यहाँ पे ये बाइक है, बाइक बाइक की तो मज़ा आता है चलाने में, पावर पावर कम ज़्यादा फील नहीं होती। अच्छा तो भाई ऐसा ही कुछ रिव्यू था, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये भाई की बाइक थी, भाई का नाम पता होगा आर्यन राणा, ये मेरी बुआ का लड़का है जो आपने पहले भी देखा होगा वीडियो में। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में था इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों ये वीडियो ऐसे हम मजाक में बना रहे थे, दिल पे तो नहीं लगी बात? नहीं हाँ मजाक कर रहे थे ना। हाँ तो कोई भाई ऐसा मत सोचना, ये भी अपना भाई है, मजाक में बोल रहे थे हम इसको, ये मत सोचना हम ऐसे ही बोल रहे थे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।